एवरीवन, आई एम अंकुश अरोड़ा फ्रॉम कैपिट एंगल। तो जैसे हमने बोला था वीडियो में, हम आपको आउटडोर गियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज हम हंस 2500 LPG पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव लेके आए हैं, जो कि आप नॉर्मली कार कैंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग के लिए नहीं। काफ़ी पोर्टेबल और इसमें LPG की भी कनेक्टिविटी है। कैनिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ब्यूटेन गैस कैनिस्टर जो हायर ऑल्टीट्यूड में यूज़ होता है। तो आज हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन जानेंगे और थोड़ा सा इसकी एडिशनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको चला के भी आपको दिखाएंगे कैसा परफॉर्म करता है। अगर इसको पैकिंग में देखेंगे तो ये इस तरह से इन्वर्टेड शेप में आता है, पैकिंग आती कुछ इस तरह की। 1.85 kg इसका वेट होता है विद बॉक्स, और विदाउट बॉक्स इसका 1.4 kg वेट होता है। इसी के अंदर आपका स्टोव होगा। ये इस तरह से लग जाता है, तो इस तरह से इन्वर्टेड इसका ये आता है। आपने इसको सीधा रख लेना पहले इस तरह से। उसके बाद ये हंस की कैन है, ये 235 ग्राम की गैस इसमें हम इस तरह से डालेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इस तरह से ग्रूव दिया हुआ है, जिसमें आप कैन की पिन इंसर्ट कर सकते हो। ये वाली पिन इसके अंदर इंसर्ट होती है। किस तरह से करेंगे इसका देखना है। ये पिन इसमें इंसर्ट की इस तरह से, उसका इसको रिलीज़ किया तो आपने देख लेना ये ऐसे टाइट हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद इसको बंद किया और उसके बाद देखा कि इसमें ऑफ पोजीशन में है कि नहीं है, इसको पूरा ऑफ पोजीशन में किया। उसके बाद इसको लॉक किया, ये अनलॉक है, लॉक है। जब लॉक करेंगे तभी फ्यूल अंदर जाएगा इसके, तब जाके आप इसका इग्नाइट की ऑप्शन दबा सकते हो। सेल्फ इग्निशन है इसमें, पाइजोमीटर लगा होता है ताकि कोई लाइटर या माचिस वगैरह की जरूरत ना पड़े। तो इसको करेंगे पहले लॉक, उसके बाद इसको करेंगे स्टार्ट। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। इसको फिर जब यूज़ नहीं करना है तो इसको अनलॉक कर लिया ताकि फ्यूल कंजप्शन ना होते रहे इसमें बार बार। जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो तब तक इसको टच नहीं करना, गर्म होगी ये चीज़ काफ़ी। अब हम इससे कैन निकाल के देखेंगे। कैन निकालना भी इजी है, जब ये लॉक पोजीशन में होगा तो इससे कैन नहीं निकाली जा सकती। ये लॉक है, इस टाइम आप कैन नहीं निकाल सकते और ना निकालनी है आपने। जब इसको अनलॉक कर लोगे इसको कैन को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये आपकी LPG गैस के साथ भी कनेक्ट हो जाता है स्टोव, तो इसको इंडोर भी यूज़ कर सकते हो, आप आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें LPG का कनेक्शन कैसे दिया होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको निकाल लेना आपने ट्रे को, तो उसके बाद इसमें आपका ये LPG का कनेक्शन है जो इसके साथ बांधा हुआ है, ये निकाल लिया। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये है इसके बैक साइड में दिया हुआ है थ्रेड्स, आपने डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करना है। ये इस तरह से इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, अच्छे से टाइट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप पाइप लगा सकते हो LPG की, और यहाँ से आप कनेक्शन दे सकते हो सिलेंडर को। फिर इसको बंद कर दिया और इसके ऊपर आपने लगा दिया, और डायरेक्टली आपने यहीं से फिर से फ्यूल ऑन किया और डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी LPG के साथ कनेक्ट नहीं है तो बता नहीं सकता कनेक्ट करके। तो होप सो आपको आज का प्रोडक्ट नॉलेज पसंद आई होगी, हमने इसको चला के भी दिखाया। होप सो आपको पसंद आया होगा किस तरह से वर्क करता है। आगे हम कंपेयर करेंगे अपना हंस 2500 LPG और हंस 7000 DFS को। ये हंस 7000 DFS है जिसको हम आगे वीडियो में भी डिस्क्राइब करेंगे, इसके ऊपर और स्पेसिफिकेशन देंगे और इसको चला के दिखाएंगे, और इन दोनों में से कंपेयर करके बताएंगे कौन सा इनमें से बेस्ट रहेगा आपके किस आउटडोर ट्रिप के लिए। तो इसी तरह से हम आउटडोर गियर लाते रहेंगे आपके लिए, और आप हमारी वीडियोस देखते रहना और कमेंट में बताते रहना कि आपको और कौन से गियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आप इनसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।